यस आज बाबा का टिमोरलैंड डालना है डायलिसिस करने के लिए, तो आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे टिमोरलैंड कैसे डालते हैं एचडी पेशेंट हेमोडायलिसिस करने के लिए। जो टिमोरलैंड डालते हैं उसके बारे में बताएंगे। ये बेटाडीन से क्लीन करेंगे अच्छे से, जिस पार्ट में डालना है लाइन पूरा प्रॉपर क्लीन करेंगे। बेटाडीन से अच्छे से दो तीन बार क्लीन करना है। स्टेडियम से क्लीन करके टिमोरल लाइन जहाँ डालनी है उसमें पहले तो आर्टी को फिल करना है, मॉरल वेन को फिल करने के लिए। अभी इनको सुन्न करने के लिए हम कुकटन कैंड देंगे, वो ये हमारा सुन करने वाला इंजेक्शन लोड कर लिया। अभी जो है हम फिल करके लगाएंगे, जिससे कि आरटी और वेन जो है हमारी पंचर ना हो और हवा को दर्द ना। बाबा एक छोटी सी सुई लगाएंगे, ठीक है, जिससे आपको दर्द नहीं होगा, ठीक है बाबा, सुन्न हो जाएगा। ये स्प्रेड करते हुए देखना है और अच्छे से लोकलाइज कर देना है, जिससे कि पेशेंट को पेन वगैरह ना हो। ये हमने लोकल दे दिया, लोकल दे के थोड़ा सा रोटेट, उसके बाद हम अभी तैयार करेंगे कैथेटर। जैसे कि हमने बताया था ये हमारा कैथेटर है जिसको हम अभी इंसर्ट करने वाले हैं। इसमें हमें अभी चाहिए होगा थोड़ा एनएस, जिससे हम इसको प्रेस करके देखेंगे। एनएस ये हमारा प्रॉपर स्टाइल प्रोसीजर है। ये हम डायलेटर को वॉश कर रहे हैं, वॉश करके इधर रख लेते हैं प्रॉपर। ये हमारा गाइड वायर है जिसको हम अभी यूज करेंगे, इसको अलग हम सेपरेटली रख रहे हैं। उसके बाद ये हमारा प्रॉपर कैथेटर, इसकी कैप हम निकाल के रखेंगे यहाँ पे और इसको प्लेस करेंगे। प्लेस करने से हमारा जो है ये पता चलता है कैथेटर वगैरह जो है कहीं ब्लॉक वगैरह तो नहीं है, इसलिए उसको प्रेस करके प्रॉपर देखते हैं। एंड इसको क्लैंप कर देंगे। कैथेटर को हमने भी इधर रख लिया,
और ये हमारा है नीडिल जिससे हम अभी प्रिक करने वाले हैं पेशेंट को। इसमें हम थोड़ा एनएस लेंगे जिससे कि जब हम पेशेंट को प्रिक करेंगे आर्टरी ब्लड है वेन ब्लड है इसमें अच्छे से पता चलेगा हमें क्लियरली हम फील कर रहे हैं। ये भी हम क्लिक करेंगे ये हमारा फ्लो इसका बिल्कुल स्लो है इस कम तो ये वेन लाइन ही है इसलिए हम अभी इसमें गाइड वायर डालेंगे गाइड वायर डाल के देखेंगे कि ये प्रॉपर जा रहा है या नहीं। तो ये बिल्कुल स्मूथली जा रहा है इसका मतलब ये हमारा लाइन सही गई हुई है। बीच में ये गाइड वगैरह चला गया